नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकारी नौकरियों में आयु छूट देने की घोषणा के साथ ही अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी पदों पर रिजर्वेशन का भी अब लाभ मिल सकेगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार अग्निवीरों के लिए नायाब तोहफा लेकर आई है। नई योजना के तहत अग्निवीरों को कई लाभ मिलेंगे, जिनमें ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सिविल पदों पर अग्निवीरों की सीधी भर्ती पर आरक्षण की भी घोषणा सरकार ने की है। अगर अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रूपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो सरकार उस औद्योगिक इकाई को सब्सिडी देने का भी काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए तक का अगर वो ऋण लेकर के काम करता है तो कोई ब्याज नहीं है उसके ऊपर। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। यह हमने हरियाणा में निर्णय किया है। इसके साथ ही सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल होने पर उसका खर्च उठाने का भी ऐलान किया। हमने निर्णय किया है जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टक्कर मार करके चला गया, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा टक्कर मारकर भागना, हिट एंड गो, मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित कंपनसेशन स्कीम 2022 25 फरवरी को अधिसूचित की गई। हमने हरियाणा में
भी भारत सरकार की इस योजना के तर्ज पर एक सरलीकृत योजना को लागू करने का निर्णय किया है। हरियाणा सरकार प्रदेश में यातायात दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देगी और निःशुल्क उपचार की भी सुविधा प्रदान करेगी। हमने इसको 112 के साथ जोड़ करके कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो उसको पहुंचाएंगे। कई बार जब पेशेंट वहां जाता था ये सोचते रहते थे कि इसका पैसा कौन देगा कौन नहीं देगा। अगर किसी का दुर्घटनावश कोई दुर्घटना हो जाती है एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको नियरेस्ट चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है उसको तुरंत वहां पहुंचाएंगे और उसका सारा खर्चा वो सरकार वहन करेगी। ये निर्णय हमने किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीर योजना को पीएम मोदी की लोकहित योजना बताते हुए ये बड़ी घोषणाएं की। अग्निवीर को हरियाणा सरकार की नायाब सौगात जवानों के त्याग और समर्पण को समर्पित एक बड़ा योगदान है।